बिसम रसोल मबाद फ़ाउ बिन्ीम बसिमल रही तबरक वयोनबावल फ़लम निन आहादा और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगे और तुम ज़मीन को देखोगे कि वह खुली पड़ी है और हम इन सब को घेर कर इकट्ठा कर देंगे और उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे वाह रबी का सफ़ा और सब को तुम्हारे रब के सामने सफ़ बांधकर कर पेश किया जाएगा लक़द तुमो ना कमा खलना मरतम बल्जाम तुम अलजा मवादा आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था اس کے برعکس تمہارا مكرر وقت كبينه الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور किताब सामने रख दी जाएगी तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो उसके मंदरजात से खौफ ज़्यादा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी ये कि कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा अहात ना कर लिया हो और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएँगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म। नहीं करेगा असलम वरमि व दुनिया भर से सुनने वाले तमाम नाजिलनसाम ना खवातिन हजरात आपकी ख़िदमत में मेरा सलाम और आज की इस नशस्त में दरस कुरान की ये नशस्त आप जानते हैं जे डी आ दरस कुरान का यह सिलसिला यह आयून्नास हमारे साथ तशीफ रखते हैं स्टूडियोज़ में हजरत मौलाना आसफ़र रहमान सिनान साहब मौजुअ गफ्तगुसरतफ़ जिसकी तीन आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं कर, कर, आयत नंबर सैंतालीस से लेकर आयत नंबर छियालीस से लेकर आयत नंबर उनचास तक तो इन आयत की तिलावत आपने सुनी तर्जमा भी समात की आप तफसीर तशरी और आगे अल्लाह ताली की क्या मुराद है ना आयात से इसके लिए हम जाएंगे हजरत मौलाना आसफ़र रहमान सीरान साहब की खदमत में व वरम्ला हज़रत वालकाम से माशाल्लाह जी हाँ सबसे पहले आयत का ارشاد तफसी खुलासा मजमून इरशाद الرحیم﴾ गुजत दर्स में हमारी गुफ्तु हुई थी ज़िंदगी की नापायदारी पर और इसकी बेसबात बेसब अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी ज़िंदगी को और इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में ये बताया है कि ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है नापायदार है और हमेशा रहने वाली नहीं है उसका असल मकसद वो एक तमहीद होता है इस तमहीद का मकसद ये होता है कि अब आखिरत का बयान आएगा और जो असल ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में बताया जाएगा कि आपने उसके लिए तैयारी करनी है तो उस तमीत के बाद इन आयत में जो भी हमने आज तिलावत हुई हैं जी इन आयत में अल्लाह ताला क़यामत का बयान फरमा रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब इस निज़ाम आलम की बसात लपेट दी जाएगी ये कोई भी सिलसिला बरकरार नहीं रहेगा इस दुनिया की ये रौनकें इसकी ये चहल पहल ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सारी जो मखलूक है जो इंसान हैं और हती कि जो दीगर मखलूक हैं उन सबको भी एक मैदान में जमा कर दिया जाएगा इंसान के अलावा जो दीगर मखलूक हैं उनका मसला तो बहुत आसान होगा उनका इतना सिलसिला नहीं होगा थोड़ा बहुत जो उनका जजा सज़ा के बारे में ज़िक्र आता है कि अगर किसी जानवर ने किसी दूसरे पर म किया होगा तो उसको उसका म का बदला दिलवा कर उसके बाद उनको वहाँ पर फना कर दिया जाएगा लेकिन उनकी आगे की ज़िंदगी नहीं होगी इंसानों का मसला जुदा होगा इंसानों का मसला ये होगा कि आपका हिसाब किताब होगा और हिसाब किताब होने के बाद चंद लम्हों वाली सज़ा नहीं होगी कि एक को सज़ा सुनाई और मामला ख़त्म बल्कि उसकी जो अगली ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है वो इन्हीं गुज्त आमाल पर डिपेंडेंट होगी कि आपने क्या किया अब आप वो पाएंगे जो बोया वही काटने वाला जो सिलसिला होगा कटाई वहाँ पर होगी वो जो फ़सल है जो आपके काम थे जो आपके आमाल थे वो आपके सामने उस दिन पेश होंगे तो यहाँ इन आयात में अल्लाह उसी कयामत के दिन के जो अहवाल हैं उसका जिक्र किया है वो अहवाल कयामत की होलनाकी के हवाले से भी हैं और इस हवाले से भी हैं कि वहाँ किस मकसद के लिए जमा किया जाएगा और वहाँ क्या पेशरफ्त होगी उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि मुजरिमीन के सामने उनके नाम अमाल पेश होंगे मुजरिमीन का ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र किया कि नाम अमाल का जो सबसे ज़्यादा खौफ होगा वह मुजरम को बिल्कुल जो इतात वाले ज़िंदगी गुजार कर गए होंगे वो वहाँ बहुत हद तक खौफ से महफूज होंगे वैसे तो एक हद तक खौफ सब को होगा क्योंकि वहाँ का एक माहौल होगा वो बड़ा ही हैबतनाक और क्योंकि सब ने देखा होगा कि बिल्कुल एक तबाही बर्बादी होगी और सब के सब वहाँ जमा हैं अल्लाह ताला जो है वो पूरे जलाल में है और वहाँ की जो एक मो माहौल की एक हॉल ना की है हैबत ना की उससे सब मुतािर होंगे लेकिन मुजरमी ज्यादा मुतािर होंगे क्योंकि आज उन्हें पता लग रहा होगा कि जिस चीज़ को वो झुटलाते रहे वो बिल्कुल एक हकीकत बनकर उनकी नज़रों के सामने, सामने। खड़ी हुई होगी और वो आदमी वो चीज़ जिसके जैसे यहाँ पे बलजाम तुम अल चीज़ का उन्हें यकीन, यकीन नहीं था और अचानक वो चीज़ सामने आ खड़ी होगी तो बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा आ, बिल्कुल ऐसे ही वो सूरत हाल होगी जैसे मशहूर बॉक्सर थे मोहम्मद अली उनसे एक तक किसी ने सवाल किया कि आ, एक तंज़िया सवाल किया कि आप क्यामत के बारे में आप रखते हैं कि जी क्यामत होगी ये होगा वो होगा और उसकी वजह से आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं क्या होगा कि आप की मौत वाकई होती है आप मरते हैं और आपको मरने के बाद पता लगता है कि क्यामत कुछ नहीं है तो कितना अफसोस होगा फिर आपको कि आपने सारी दुनिया की छोड़ दी इस खाते। तो, कि तो उस से फिर भी थी उससे बहरहाल बहुत बेहतर होगा तो असल में मुजरिमीन की यह कैफियत है समझते रहे कि कुछ भी नहीं है और वहां जाकर जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा तो वो चीज जो है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उस जो माहौल की हौलना है उस पर जो इजाफा होगा वो इजाफा ये होगा कि इन लोगों की जिंदगी इनके सामने खुलकर सामने होगी और अपना जो हशर है वो उन्हें नज़र आ रहा होगा इसकी वजह से वो ज़्यादा खौफ में ठीक है यानी छोटा बड़ा रमल जिस तरह यहाँ जिक्र है सामने होगा सज़ाहत तो उदायमी जज़ाहत तो उदायमी तो बहुत शुक्रिया अगला सवाल है हमारा और ये सवाल यहाँ पर लक़द जी तुम्हो ना कमा ख़लखनाकुम अव्वालमर्र तरमाते हैं आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था क्या बताना चाहते हैं अल्लाह ताला क्या मतलब है इसका? ये देखें लकत तुम ना कमा खलना कुम अब्वाल मर का एक मफहम तो ये है कि जिस तरह तब तुम दुनिया में आए थे हाँ। पहली मरतब जब तुम पैदा हुए बिल्कुल बेसर सामान थे बे आसरा थे ख़ुद तुम्हारे अंदर कुछ करने की भी ताकत नहीं थी और मुकम्मल तौर पर जो एक डिपेंडेंट जिंदगी होती है वो होगी तो एक यहाँ पर अब हशर के मामले में भी तुम बिल्कुल बे आसरा हो और तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त जो कुछ कर आए हो बस उसी के मुताबिक तुम्हारा जो है अब यहाँ पर फ़ैसला होगा और तमाम की तमाम हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में दुनिया की ज़िंदगी में हमें एक हद तक कभी नज़र आ रहा होता है कि शायद हमारी मर्ज़ी चल रही है हम अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की जो हाकमियत होती है वो पसे पर्दा होती है वो हमारे इतनी आया नहीं होती लेकिन क़्यामत के दिन वो सब कुछ उनके सामने जो माहौल होगा उसमें उनको पता लग जाएगा कि आज बिल्कुल जो है हमारे सामने ये बात खुलकर आ गई कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अल्लाह ताला के फैसले के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला तो एक ये मतलब है दूसरा एक मतलब बाज़ अदी से ये भी पता लगता है हज़रत हज़रतब्दुलबिन अब्बास रजी अल्लाह की रिवायत है कि क्यामत के दिन जो अल्लाह इंसानों को वहाँ पर मैदान हशर में जमा फरमाएंगे वहाँ वो बिल्कुल नंगे पैर नंगे बदन होंगे ना लिबास होगा ना कोई चप्पल जूते वगैरह कुछ भी नंगे बदन होंगे इस पर हज़रतर रजी अल्लाह सवाल भी किया कि या रसूल्ला अगर नंगे बदन होंगे तो एक दूसरे के सतर की तरफ नजर जाना ये तो है है एक अजीब सा वो होगा तो आप ने फरमाया कि नहीं वहाँ की जो हैबत ना की होगी वो किसी को इस तरफ ख़याल ही नहीं जाने देगी कि वो एक दूसरे की तरफ़ देखें हर एक को नफसा नफ्सी का आलम होगा और ऊपर की तरफ जो है वो मुँह उठाए हुए होंगे आसमान की तरफ देख रहे होंगे लोग क्या होगा क्या होने वाला है आइंदा क्या सूरत पेश आएगी तो वहाँ यह सिलसिला नहीं होगा तो बहरहाल कमा खलकनाकम अबाल मर्रा का एक मतलब तो यह है कि बिल्कुल बे आसरा बेसर वामान तुम आओगे और दूसरा मतलब यह है कि वहाँ बगैर किसी लिबास के और जो बिल्कुल एक कुदरती एक तबी हालत होती है उस हालत में तुम्हें ठीक वहाँ पर जमा किया जाएगा बहुत शुक्रिया जी आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कोई छोटा बड़ा अमल छोड़ाना होगा जिसका अहाता नहीं है तो यहाँ बाज़ाह चुके थ्रेट्स हैं इस 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 हिस्से में तो ये गुनाहों का गुनाह मुराद हैं छोटे बड़े गुनाह या नकियाँ भी मुराद हैं देखें यहाँ तो जिक्र मुजरमी का हुआ है, है। मुजरमी कहेंगे कि ये किस किस्म का नाम है अमाल है कि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी इसने नहीं छोड़ा हर हर अमल को यहाँ पर ले आया यहाँ पर असल में समझने की बात यह है कि देखें आ, आप दुनिया में निज़ाम इंसाफ़ कायम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अदालतें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं आपके यहाँ इंसाफ़ जो है वो भरपूर अंदाज़ में फ्राहम किया जाता है लेकिन बात यह है कि हमें इस दुनिया में जो इंसाफ मिलता है जिसको हम हकीकी इंसाफ समझते भी हैं बिल्कुल सही है एक तो यह कि इंसाफ ना मिलना उसकी बात नहीं हो रही हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो कवानी हैं दुरुस्त कवानी बनाए जाते हैं उन कवान पर एक बेहतरीन तरीके से अमल किया जाता है इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में वो इंसाफ पूरा नहीं हो रहा होता और बस में भी नहीं है हमारे मिसाल के तौर पर एक आदमी है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है कैद हो जाती है बाद में साबित हो जाता है कि चोरी का इल्ज़ाम गलत था उस पर कोई कंपनसेशन वगैरह के तौर पर कुछ जुर्माना इल्ज़ाम लगाने वाले पर भी आपने लगा दिया सब कुछ कर दिया लेकिन वो जो दिन उसके जेल में गुजरे ही 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 ये बाद में आने वाला पैसा उन दिनों के कर्ब को उन दिनों की अजियत को तो ख़त्म नहीं कर सकता हाँ बाद की जिंदगी के लिए कुछ काम आ जाएगा एक आदमी के यहाँ चोरी हो गई चोर पकड़ा जाता है केस चलता है इस दौरान चोरी का माल वापस भी आ जाता है चोर को सज़ा भी हो जाती है लेकिन इस दौरान ये जो आदमी उस कर्ब की कैफिय से गुज़रता है ये आप उसको नहीं दे सकते इसी तरह हमारे यहाँ जो अदालतों का निज़ाम है वो आम तौर तो पर मुकम्मल होता नहीं है जज जो होता है जो अदालत होती है वो बेबस होता है वो एक हद तक जो है वो फैसला कर सकता है उसको कई मरतबा नज़र भी आ रहा होता है कि ये बात ठीक नहीं है जो हो रही है जी। लेकिन वो मजबूर होता है कानून के हाथों जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके हाथों तो क्या होता है कि जो इंसाफ जिसको दिया जाता है उसको मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल पा रहा होता कई मरतबा या जो एक पार्टी है जिसने म किया वो ऐसे पैंतरे अख्तियार करती है कि बहरहाल वो केस उनके हक़ हाँ में हो जाता है अब कानूनी तकाजों के अतबार से आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि फैसला इंसाफ के मुताबिक हुआ है जी क्योंकि जो कानून है जो प्रोसीजर है उसको बाकायदा फॉलो किया गया उसके मुताबिक फैसला किया गया लेकिन ये बच निकला तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी जैसे अब यहाँ पर कोई कानूनी पेचीदी पेचीदगी को बुनियाद बनाकर कोई मुजरिम बच निकलता है और क़्यामत के दिन जब वहाँ पेश होगा तो उसको अपने सामने वो अमाल नजर आ रहे होंगे और वहां उसके बस में हो कि ये तो इतनी छोटी सी बात थी ये भी यहाँ पर सामने तो ला सगीरतन वाला कोई छोटी से छोटी बात उस नाम पोशीदा नहीं होगी सब कुछ आपके सामने बिल्कुल मुजस्म बनकर खड़ा हुआ होगा हाजरा सारा किया धरा सामने मौजूद पाएंगे यही मतलब इसका बिल्कुल हाजरा में एक तो मतलब ये है कि नाम आमाल की शक्ल में जी। तमाम के तमाम उनके जो अमाल हैं ना उनके सामने पेश होंगे सब कुछ सामने नज़र आ रहा होगा जो कुछ किया था सब कुछ मौजूद होगा और उसी को देख कर ये लोग कहेंगे लाई सगीरतन वाल ला कबीरतन ये क्या है अच्छा दूसरा इसका एक मतलब ये किया गया है कि ये जो अमाल होंगे ये इंसान के मरने के बाद ये अमाल मुजस्म शक्ल में भी सामने आएंगे जैसे ख़बर के बारे में आता है कि इंसान जो कुरान पाक की तिलावत करता होगा कुरान उसकी जो है वो बाकायदा उसके लिए सिफारशी बनकर पेश होगा और कुर्बानी के जानवरों के बारे में बाज रवायात में आता है कि वो सवारी बनकर पेश होंगी यतीम का माल जो शख्स नाहक कहता है कुरान पाक कहता है कि यह कुरून फीबूत ही नार आ एक तो इसको हम मजाजी माना दे सकते हैं कि नार का मतलब ये खाना आग खाने का मतलब ये है कि आख़रत में इनको इसके बदले में आग का अज़ब होगा लेकिन इसका हकीकी मतलब भी है कि ये जो यतीम का नाहक माल खा रहे हैं ये बिलकुआ यही माल आग बनेगा क्यामत के दिन और ये जो उनका एक बुरा अमल है ये आग की शक्ल में उनके सामने पेश होगा तो वहाँ क्यामत में वजद हाजरा का एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि यहाँ पे दुनिया में आपने जितने काम किए होंगे अच्छे या बुरे वो जो है वो बिल्कुल एक मुजसम शक्ल में होंगे बाज जो माल इंसान खर्च नहीं करता वो कहा जाता है कि सांप बनकर उसके सामने पेश होगा और उसको डसेगा तो ये मुजस्म शक्ल में हाजिर होना भी म, मुराद हो सकता है कि वो मुख्तलिफ आजाबों या मुख्तलिफ नेमतों की शक्ल में जन्नत की जो नेमतें हैं वो गोया कि यही है कि जो आपके अमाल हैं वो मुजस्म होकर जन्नत की नेमतों की शक्ल में आपके सामने आ गए और जो जहन्नम का अजाब है वो मुजसम होकर आपकी जो बद आमालियाँ हैं वो मुजस्म होकर जहन्नम के अजाब की शक्ल में आपके, आपके सामने आ गई इसका एक मतलब हो सकता है जजाकोल खैर जी बहुत बहुत शुक्रिया वालयाज मबू का अहदा जाहिर है इसका तो बड़ा वाज मतलब है कि जिसने जो गुनाह किया है जो नेक अमल किया पूरा पूरा उसको अजर सवाब जजा सजा जो भी है जुल्म नहीं होगा बिल्कुल मजीद वजाहत इस सवाल से बस यहाँ पे जो आखिर में वला ए, अजली का अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें इशारा इसी तरफ है कि ये जो सारी गुफ्तु हुई पीछे इसमें अल्लाह ताला इस, इस तरफ इशारा फरमाना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया गया है तुम अगर वो भरपूर तरीके से करते हो तो फिर अल्लाह तुम पर म नहीं करेगा यानी अगर क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा सही है ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा कि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता उसके बस में जितना हो उसका मुकल्लफ बनाता उतना ही सवाल तो दो अगर दो आप अपने बकदर इस्तात आपने जो है वो अल्लाह ताला की इतात का अहतमाम किया होगा तो फिर इन शखरत में आपको म का शिकार नहीं होंगे आख़रत में आपको उसका पूरा पूरा बदला दिया ठीक है ज़ाकबुल खैर अल्लाह तमें आखिरत की तैयारी की तोहफी अता करे और जो हमारे सामने है जब हमारा नाम है अमाल आए तो हमें आ, हमारे लिए वो मुसरत का बायस सब हम सबको दुआ भी करनी चाहिए और इसके लिए दवा भी करनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं साथ साथ तो नाजिर मोहतरम आपने गुफगु सुनी उम्मीद करते हैं कि आज की ना के हवाले से बहुत सारी वजाहत ज़रूरी वजाहत आपकी खिदमत में आ गई होगी तो इना लजीज़ अगले दरस में आपसे मुलाकात करते हैं अगली आयात सूरत कहाफ़ की हमारा मौजूद गुफगु होंगी अगली नशस्त में तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे कुरान मजीद की फाहम के लिए अल्लाह ताली से दुआो रहेंगे इनशा लजीज़ तो अगली नश्त तक के लिए I love it.